सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। आज हम लिखने जा रहे हैं स्मॉल लेटर ए टू जेड। कैपिटल लेटर ए टू जेड तो आपने सीख ही लिया खेलते कूदते लिखना, है ना। और अब तो आप लोग लाइन मेंटेन करके भी लिखना सीख गए हैं, तो चलिए आज हम स्मॉल लेटर ए टू जेड लाइन फॉलो करके कैसे लिखते हैं वह देखते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अल्फाबेट क्या है? ए। तो ए हम ए, और ए हमने लिखा कितने लाइन में? टू लाइंस में, है ना। फिर नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है? बी। और बी के लिए हमने फर्स्ट थ्री लाइंस को यूज किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? सी। सी के लिए हमने फिर टू लाइंस में यूज किया। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट लेटर पे, डी। अगेन फर्स्ट थ्री लाइंस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट ई, टू लाइंस। देन एफ, अगेन फर्स्ट थ्री लाइंस। देन आता है हमारा जी। जी के लिए हमने कितना लाइंस यूज किए हैं? सेकेंड थ्री लाइंस, है ना। फर्स्ट थ्री लाइंस को नहीं यूज किए, फर्स्ट लाइन को छोड़ के उसके बाद वाली तीन लाइन को हम लोग यूज किया है। फिर आता है हमारा एच, आई। जे के लिए नीचे वाली थ्री लाइंस, के। एल के लिए ओनली वन लाइन, बिल्कुल जैसे लिखा जा रहा है वैसे आप लोग फॉलो करिए तो आप लोग परफेक्ट लाइंस में लिखना सीख जाएंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। नेक्स्ट क्या आया हमारा? ओ। फिर नेक्स्ट हमारा पी। देन नेक्स्ट हमारा क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो ये है हमारा स्मॉल लेटर ए टू जेड। जिस लेटर्स को जिस लाइन के अंदर लिखा गया है अगर उसी तरीके से आप लोग भी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी लिख पाएंगे। तो प्लीज आप लोग इसको लिख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसके बाद लिखकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।